तो फिर चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने लिए है एक नॉन स्टिक कढ़ाई, इसे हम स्लो टू मीडियम आंच पे गरम करेंगे। ये डिश बहुत ही आसानी से बन जाती है। सूजी की बर्फी को बनाने के लिए न तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है। आप आगे मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बर्फी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने 4 चम्मच घी लिया है। घी को हम अच्छी तरीके से गरम होने देंगे। घी गरम हो जाएगा तब हम उसमें सूजी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ घी गरम हो चुका है, तो अब हम सूजी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। आप जिस कप से सूजी लेते हैं उसी कप से बाकी सभी चीज़ों की मेजरमेंट रखनी है। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है, इसे हम घी में हिलाते हुए पकाएंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस की, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम सूजी को घी में सेकेंगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूर है। और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बिना भूले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मुझे थोड़ा घी कम लगा तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। हम इसे सूजी को गुलाबी होने तक या इसका कच्चापन निकल जाता है वहाँ तक हम इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन हो, लाइट ब्राउन कलर तक ही हमें इसे सेकनी है। देखिए जब हम सेकेंगे तो धीरे धीरे फिर वो फ्लफी होने लगेगी। देखिए आपको दिखाई देता होगा कि ये धीरे धीरे फ्लफी होने लगी है। इस स्टेज पे मैंने यहाँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड किया है। नारियल का बुरादा ऐड करने से बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो अगर आप पसंद नहीं करते नारियल का बुरादा तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल का बुरादा ऐड करने से ये बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया है तो हम इसे सूजी को डिश में निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई रखेंगे गैस पर और इसे गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो जाने पर हम उसमें ऐड करेंगे दूध। हम ये बर्फी दूध में बना रहे हैं। दूध में बनाने से इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने 2.5 कप दूध लिया है। जिस कप से मैंने सूजी का मेज़रमेंट किया था, मैंने सूजी 1 कप ली थी, यहाँ दूध भी उसी कप से मैं 2.5 कप दूध ले रही हूँ। दूध को अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने पर जो हमने रोस्ट की थी सूजी, उस सूजी को हम दूध में ऐड करेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो पे ही रख के हम इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ये सूजी पे डिपेंड रहता है कि दूध वो कितना एब्सॉर्ब करती है। अगर आपकी सूजी थोड़ी ड्राई हो जाती है तो आप 1/2 कप जितना दूध और ऐड कर सकते हैं।
मैंने यहाँ जो सूजी ली थी उसमें ये 2.5 कप दूध इनफ है, इसलिए मैं यहाँ और दूध ऐड नहीं कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद हम सूजी को लगातार हिलाते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि वो तले में चिपके नहीं। सूजी को लगातार हिलाने से सूजी अच्छी तरीके से इक्वली भुनी जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर और 4 चम्मच शक्कर, चीनी। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ये बर्फी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेसिपी पे चाहिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। देखिए ये सूजी है वो भुन चुकी है, एक डो फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मैंने ऑलरेडी एक डिश में घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ट्रे है या केक टिन है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। मेरे पास डिश थी तो उसमें मैंने घी लगा कर इसे ऑलरेडी ग्रीस कर रखा था। अब हम ये सूजी को इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड कर देंगे, सभी बाजू से हम इसे इक्वली दबाते हुए लेवल कर देंगे। ये रवा बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। इसमें हमने न तो मावा यूज़ किया है ना ही चाशनी बनाई है, फिर भी ये बर्फी बहुत ही लाजवाब बनी है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने बादाम काजू से गार्निश किया है, आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, मगजतरी के भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में बर्फ़ी के ऊपर चांदी का वर्क लगाया हुआ होता है और वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। देखिए मैंने इसे गार्निश कर दिया है और अब इसे हम आधे घंटे के बाद इसमें हम कट लगाएंगे। आपको बर्फ़ी को आधा घंटा कम से कम रखना है ताकि वो ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप इसके पीसीस कीजिए। आप अपने हिसाब से पीस कर सकते हैं छोटे बड़े। देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, कितनी प्यारी लग रही है, एकदम खाने का मन लग कर रहा है ना। तो फिर आप ज़रूर से बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप सूजी की बर्फ़ी के दीवाने हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।